नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का जो न्यू सिलेबस है इनके टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्वतंत्रता क्या है, फ्रीडम क्या है, स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस न्यू सिलेबस जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि स्वतंत्रता क्या होता है। देखिए, स्वतंत्रता क्या है यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो आप बताएंगे इस प्रश्न का सीधा सपाट उत्तर कि व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंध का अभाव ही स्वतंत्रता होता है। मतलब यदि किसी व्यक्ति पर बाहर का कोई प्रतिबंध ना हो, मतलब उस पर कोई जोर जबरदस्ती ना हो, वो बिल्कुल स्वतंत्र हो, तो यही क्या कहलाता है, स्वतंत्रता कहलाता है। इस परिभाषा के हिसाब से यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण या दबाव नहीं होता है, किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होता है व्यक्ति के ऊपर, वह बिना किसी पर निर्भर किए हुए, मतलब डिपेंडेंट नहीं है वो किसी पे, अपना निर्णय वो खुद ही ले सकता है, इसके लिए वो स्वतंत्र है, उसको स्वायत्त तरीके से व्यवहार कर सके, तो वह व्यक्ति क्या माना जाएगा, स्वतंत्र माना जाएगा। अब आप समझ लीजिए कि स्वतंत्रता क्या होता है। स्वतंत्रता का प्रश्न यदि आपसे पूछा जाता है तो आपको सीधा सपाट उत्तर देना है कि यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव हो, मतलब उस पर कोई भी प्रतिबंध न हो, तो वो क्या कहलाएगा, स्वतंत्रता कहलाएगा। इस परिभाषा के अगर आप दूसरे तरीके से देखें तो किसी भी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण या दबाव न होना ही स्वतंत्रता कहलाता है। वह व्यक्ति किसी पर निर्भर नहीं होता है, वह अपना निर्णय खुद ही ले सकता है, अपना डिसीजन वो खुद ही ले सकता है, तो वह व्यक्ति क्या माना जाएगा, स्वतंत्र माना जाएगा, वह फ्री माना जाएगा। हालांकि प्रतिबंधों का न होना स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति पर प्रतिबंध नहीं है, वो प्रतिबंधों से आजाद है, तो यह स्वतंत्रता का एक कड़ी माना जाता है कि हाँ भाई, यह स्वतंत्र है। स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति का आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना भी होता है। अगर एक व्यक्ति को आप स्वतंत्र व्यक्ति कहना चाहते हैं, स्वतंत्रता का परिभाषा समझ सकते हैं इससे कि वह व्यक्ति अपने आप को फ्री महसूस करे, उसके अंदर के क्वालिटी को वो विकसित कर सके, वह अपने योग्यता के हिसाब से अपने समाज में जिंदगी को विस्तार कर सके। इस अर्थ में स्वतंत्रता वह स्थिति है, सिचुएशन है, जिसमें लोग अपनी रचनात्मक और क्षमताओं का विकास कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से अपने जीवन को बेहतर बनाने के कार्यों को यदि किसी भी दबाव के बिना करता है, किसी भी प्रतिबंध के बिना करता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो स्वतंत्र कहलाएगा, वह व्यक्ति अपने स्वतंत्र रूप से जाना जाएगा। बाहरी प्रतिबंधों का अभाव और ऐसी स्थितियों का होना जिसमें लोग जो है वो अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। कई बार होता है कि प्रेशर के कारण समाज में वह व्यक्ति अपने आप को फ्री महसूस नहीं कर सकता, वो जो करना चाहता है वो नहीं कर सकता, तो ऐसे व्यक्ति को आप स्वतंत्र नहीं कह सकते। यदि व्यक्ति अपने प्रतिभा का उपयोग अपने हिसाब से करना चाहे तो वह स्वतंत्रता के हिसाब से देखा जाएगा। स्वतंत्रता के ये दो पहलू महत्वपूर्ण है। एक तो ये है कि स्वतंत्र समाज वह होगा जो अपने सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक अवरोधों के साथ अपनी संभावनाओं को विकास करने में समर्थ बनाएगा। देखिए, पहला पॉइंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्र व्यक्ति का दो महत्वपूर्ण पहलू है। तो पहले पहलू की तरफ जान लेते हैं। पहला पहलू ये है कि एक स्वतंत्र समाज वह होगा, एक स्वतंत्र समाज कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति स्वतंत्र तब होगा जब वह अपने सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक अवरोधों के साथ अपनी संभावनाओं को समर्थ बनाएगा। यदि कोई व्यक्ति एक समाज में रहता है, समझिएगा बात को, एक व्यक्ति एक समाज में रह रहा है, अब उस समाज में रहने वाले व्यक्ति को यदि समाज के लोग काफी प्रतिबंधित करते हैं, काफी मतलब उनके ऊपर दबाव डालते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो ऐसे में वो व्यक्ति अपने आप को समर्थ नहीं बना पाएगा। लेकिन यदि वह व्यक्ति अपने आप को समाज के अवरोधों के बिना जीवन को चलाता है, समाज में वो अपने आप को विकास करता है, अपने आप को समर्थ बनाता है, तो ये पहली कड़ी होगी समाज के तरफ से कि वह व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर सकेगा। स्वतंत्रता शब्द का जो अंग्रेजी पर्याय है वो लिबर्टी से लिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई तो आप बताएंगे यह अंग्रेजी शब्द है जिसका नाम था लिबर्टी, जो लैटिन भाषा का लिबर शब्द से बना है। ये इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में अक्सर पूछा जाता है कि स्वतंत्रता शब्द जो है वो लिबर्टी से बना और लिबर्टी लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है, अर्थ होता है मुक्त, मतलब आजाद या स्वतंत्र
या बंधनों का अभाव, मतलब उसपे किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है, प्रेशर नहीं है। तो स्वतंत्रता का सही अर्थ प्रोफेसर लास्की के अनुसार, प्रोफेसर लास्की जो है वो बहुत ही बड़े विद्वान थे, खासकर पॉलिटिकल साइंस की अगर राजनीति विज्ञान की बात करें तो ये इसके बहुत जाने माने नाम हैं। कौन? तो प्रोफेसर लास्की। तो उस वातावरण की स्थापना से प्रोफेसर लास्की ने कहा कि आजादी जो है वो उस वातावरण की स्थापना से है जिसमें मनुष्यों को पूर्ण विकास के लिए अवसर मिलता है, प्राप्त होता है, मतलब वो अपने आप को विकसित कर सकता है, अपने प्रभावशाली गुणों को समाज के अंदर ला सकता है। राजनीतिक शास्त्र ही शायद ही कोई ऐसी समस्या हो जिस राजनीतिक शास्त्र में जिसके संबंध में विद्वानों को इतना मतभेद पाया गया। देखिए बहुत सारे राजनीतिक शास्त्र में विद्वान हुए हैं, प्रोफेसर लास्की के अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनके आपस में मतों में भी मतभेद है, उनकी बातें एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं है। जितना स्वतंत्रता के संबंध में देखने को मिलता है, प्रत्येक युग में विचारक हुए, बहुत सारे ज्ञाता हुए, उन्होंने स्वतंत्रता की समस्या पर विचार करते हुए अलग अलग रायों को दिया है समाज में, और ये लोग जो हैं, हम समाज के रहने वाले लोग, इनके बातों को अलग अलग अर्थ लगाते हुए आए हैं, अलग अलग मतलब से समझते आए हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि स्वतंत्रता क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। यदि जानकारी आपको स्वतंत्रता के बारे में जो दी गई है वो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे।